किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् सत्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नघतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धातराष्टान्नः का प्रीति सया जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए मेरे समक्ष तत्पर खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गौवों और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि श्री कृष्ण यह समझ लें अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तृष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तृष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तृष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तृष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहां पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त श्री भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह श्री भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि श्री कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि श्री कृष्ण
उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। श्री कृष्ण का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो श्री भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु श्री भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। श्री भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए श्री भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्दत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। दोस्तों, हम परिवार में परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। जो हम कमाते हैं, इतनी दौड़ धूप करते हैं, सब अपने परिजनों के लिए करते हैं। लेकिन अगर वही परिजन हमारे शत्रु के रूप में खड़े हों, हमें उनसे ही लड़ना हो, तो हमारी भी हालत अर्जुन जैसी हो जाती है।